डीएपी खाद की किल्लत से परेशान किसान धरने पर बैठे। पूरा देश इस समय खाद की बड़ी समस्या से जूझ रहा है। वहीं आगरा की तहसील ऐदमतपुर में तहसील दिवस में जिलाधिकारी व एसएसपी आगरा ने किया सरकारी गोदाम का निरीक्षण, जहां किसान खाद को लेकर धरने पर बैठ गए और हंगामा काटने लगे। आनन फानन में आगरा जिलाधिकारी ऐदमतपुर स्थित सरकारी गोदाम का निरीक्षण कर धरने पर बैठे किसानों को आश्वासन दिया कि जल्द ही खाद की पूर्ति की जाएगी, खाद की कोई कमी नहीं है, थोड़ा संयम बनाए रखें, एक साथ तीन फसलों की बुवाई की तैयारी है, इस वजह से खाद की परेशानी हो रही है, अन्यथा सरकार के पास भरपूर खाद उपलब्ध है। किसानों के दर्द पर जिलाधिकारी प्रभु नारायण सिंह का मरहम। विजय सोलंकी, आगरा समाचार 24। क्या पाया गया निरीक्षण के दौरान? अभी हम लोग तहसील दिवस में आए थे, हम एसएसपी साहब, उसके बाद जो अभी खादों का वितरण हो रहा है उसको रेक पॉइंट और जहाँ जहाँ वितरण हो रहा है एक बार देखने आए थे। जहाँ तक इस बार जो चूंकि बारिश हुई है, जैसा किसान बता रहे हैं कि यहाँ पे उनको सरसों के लिए भी, आलू के लिए भी और गेहूँ के लिए भी एक साथ उनकी डिमांड हो गई है। जनपद आगरा में पिछले साल किसानों खाद की कोई किल्लत नहीं हुई थी और अक्टूबर महीने में हम लोग टोटल 17,960 मैट्रिक टन हमने यहाँ पे सप्लाई किया था। इस साल अक्टूबर में हमारा गुजर गया है, टोटल 19,800 हम लोग सप्लाई कर चुके हैं, मतलब कि 2,000 एक्स्ट्रा हो चुका है। तो और इस बार अभी रैक अभी हमारी सारी लगी हुई है, पिछले साल जितना सप्लाई था उससे ज़्यादा मिल रहा है, लेकिन चूंकि एक साथ तीनों फसल आ रही है इसलिए देखने के लिए कि आप थोड़ा सा धैर्य बना के रखिए। आलू के भी प्रायोरिटी है और थोड़ा सा वीट हम बाद में भी सामने आया है। कल खंडौली 6 से 7 FIR कराई गई है जनपद में, अलग से अभी जो सेंटर्स हैं वहाँ पे अलग से हम लोग मजिस्ट्रेट्स और ADM जो CS हैं हमारे उनको लगाया गया है। हर जगह हर सेंटर्स पर टीम लगा रहे हैं ताकि वो साथ में बटवाएं। यहाँ पर कमी लग रही है, वो कब तक पूरी होने के चांस है? तो ये लोग किसानों को 6 से 7 दिनों की बात है कमी, जैसे बताया क्योंकि तीनों डिमांड एक साथ आ गया इसलिए जो किल्लत हो रही है। अभी हमारे पास 3 ट्रक लगी हुई है वहाँ पे, ट्रक 3 जो रैक पॉइंट है हमारा वहाँ पे, ट्रेन से 3 गाड़ियाँ आई हुई है, लगातार आ रही है।